किशनी तहसील पर अजीब नजारा सामने आया जब एक महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जमीन करने पर अड़ गई। महिला ने अपने बेटों पर ख्याल न रखने का आरोप लगाया। लोगों के समझाने पर महिला बमुश्किल घर वापस गई। बुधवार को एक 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला तहसील पर अधिवक्ता कृष्ण प्रताप सिंह चौहान के बस्ते पर पहुंची। महिला ने अपना नाम बेटी कुंवर उर्फ बिट्टन देवी पत्नी पूरनलाल पुत्री गयादीन निवासी चितायन बताया। महिला ने बताया कि वह अपने मायके चितायन में रहती है। उनके पति की मौत हो चुकी है और 3 बच्चे और बहुएं मौजूद हैं, पर कोई उनका ख्याल नहीं रखता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेंशन से उनका जीवन यापन चलता है। मोदी की योजनाओं से प्रसन्न होकर वो अपना 12.5 बीघा खेत उनके नाम करना चाहती है। बेटे और बहुओं के ख्याल न रखने के कारण अपनी जमीन उन्हें नहीं देना चाहती है। अधिवक्ता कृष्ण प्रताप चौहान ने बताया कि बुजुर्ग होने के बावजूद महिला की मानसिक स्थिति सही लग रही है। उन्होंने बुजुर्ग महिला को समझाया कि वह इस मामले में गुरुवार को SDM से बात करेंगे, तब बता पाएंगे। इसके बाद महिला अपने घर रवाना हुई। किसके नाम? 12.5 बीघा खेत। हाँ, लिखिए हम। अच्छा, तनखा दई हमारे आउट को खेत दो, वोट दो, अब हम 12 बीघा खेत फेंक दे। हाँ, किसके नाम है? किने? मोदी जी को। किने? मोदी जी को दे। अच्छा, मोदी जी को। अच्छा, हाँ। अच्छा, हमें तनखा दे चाहते हम गुजर करते, ठीक है। हमें लड़का बात 12.5 बीघा फेल न खेत जाए न घर जाए न कोर जाए। और मोदी ने क्या क्या दिया? मोदी ने मोदी ने रुपया दो। कैसा? महिला रुपया दे। अच्छा, दे 2000 दे। अच्छा, और घरों आए 2000। अच्छा, हाँ। तो आप खेत मार के कुछ दो, अब हम 12 बीघा खेत फेंक दे। मोदी जी के नाम करना है 12 बीघा? मोदी के नाम दे। अच्छा, हाँ। हमला इनके 3 बेटे हैं। किस गांव रहने वाली है? नाम क्या है? इनके रहने वाली है, बिट्टन देवी इनका नाम है, बिट्टन कुंवरी उर्फ बिट्टन देवी जी। पुत्री यादीन है, इनके मायके में चितायन में जमीन मिली हुई है। 12.5 बीघा इनके पास जमीन है और इनके बेटे ने खाना पीना नहीं देते, इनके जो टीमारधारी है वो इनकी बहुएं नहीं करती हैं जी। उससे दुखी होके इन्हें जो है जमीन अपनी जो प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी के नाम करनी है, क्योंकि इनके खाते में जो पेंशन आती है मोदी जी डालते हैं। इन्हें जो किसान सम्मान निधि मिली है वो मोदी जी ने दी है। कोरोना काल में इनको जो लाभ मिला है धनराशि का वो मोदी जी ने दिया है। राशन इन्हें फ्री मिला है और ऐसे ही इन्हें शौचालय वगैरह इत्यादि लाभ जो है मोदी जी ने, सूखा राहत वगैरह अन्य लाभ जो इन्हें दिए हैं। कोरोना काल में मुफ्त लाभ जो है, राशन का लाभ और जो पैसे खाते में 500 रुपये डाले वो भी इनके खाते में आए हैं। उनसे ये बहुत प्रभावित है, क्योंकि जो काम बच्चे नहीं कर रहे हैं वो काम मोदी जी ने इनके लिए किया। तो उन्होंने कहा मोदी जी मेरे बेटे हुए और मैं अपने बेटे को सारी जमीन नाम करके दूंगी। ये मामला इनका पूरा संज्ञान में आया है और इन्होंने इसके लिए मुझे अपनी फर्द दी है। 12.5 बीघा का इनका नंबर है, ये जो फर्द है 12.5 बीघा, ये आप बिट्टन कोनी नाम से जी। और बैंक खाते की इन्होंने मुझे रिसीविंग दिखाई है, जिसमें इनके पास पैसे 2500 भी पिछले महीने भी आए हैं। ये जो इनकी ग्रामीण बैंक किसने की है और इन्होंने जो है इसमें पैसे आए हुए हैं वो मुझे दिखाए हैं और हर महीने पैसे इनके पास आते हैं और पेंशन भी इन्हें पूरी मिल रही है। प्रधानमंत्री जब से बने हैं मोदी जी तब से इन्हें पेंशन बराबर मिल रही है। कौन सी पेंशन मिल रही है इन्हें? प्रधानमंत्री पेंशन मिल रही है, विधवा पेंशन इन्हें मिल रही है, क्योंकि ये हस्बैंड इनके खत्म हो गए हैं, पति जो है। कितनी जमीन इनके पास है? 12.5 बीघा इनके पास जमीन है। तो पूरी जमीन करने आई हैं? पूरी जमीन मोदी जी के नाम करना चाहती। जब पैसे बोले मैं जमीन का करूंगी क्या जब बच्चे मुझे कुछ खाना नहीं दे रहे हैं? पर क्या प्रक्रिया रहेगी? मतलब ये प्रक्रिया ये है कि अभी मैं सोच रहा हूँ सरकार के नाम PMO के नाम से जमीन हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री नहीं आते तब भी जमीन उनके नाम हो जाएगी। कोई ऐसा तो नहीं कि इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा हुआ हो? नहीं नहीं, इनकी एज तो काफी है लेकिन मानसिक संतुलन इनका बिल्कुल ठीक है। गाँव से मैंने पता किया, इनके गाँव के लोग भी हैं वो कहते हैं हाँ बिल्कुल स्थिति सही है, ये परेशान है अपने बच्चों से। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।